أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقال الله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اور آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں. ये जो आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है ये सूरह कलाम की आयत नंबर 4 है. इस आयत मुबारका से हमको सिफ़त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लगता है कि खुद अल्लाह सुभान व तआला अपने नबी के लिए कहता है कि ऐ नबी आप अखलाक के सबसे अजीम सबसे ऊंचे दर्जे पर फायज हैं. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अफजल तरीन सिफातों के मालिक हैं. वो खुदावंद मुताल की इबादत व इताअत के लिए सबको दावत देते हैं और दूसरों से कई ज़्यादा वो खुद अल्लाह की इबादत करते हैं. वो खुद अम्र बिल मारूफ और नाहिया अनिल मुनकर बजा लाते हैं. जो आपके साथ बुरा करता आप उसे नेकी की नसीहत करते, खुदावंद मुताल से उनके लिए हिदायत की दुआ करते. जब मेरे रसूल दीन इस्लाम फैलाने गए तो लोगों ने उनके ऊपर कंकरियां मारी, गर्म राख फेंकी, मगर आपके इखलाक का गुरदुबारी का ये आलम था कि कभी उन लोगों के लिए बददुआ नहीं की. वो रहमत का सर चश्मा थे. रसूल खुदा सारे जहान में अपने अखलाक में अपने इखलाक में सबसे आला थे. रोज़े आशूर रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे अली अकबर को रुखसत करते थे तो फरमाते थे, परवरदिगारा तू इस कौम के जुल्म व सितम पे गवाह रहना कि वो जो जा रहा है वो खल्क में तेरे नबी की तरह है, खुल्क यानी अखलाक में तेरे नबी की तरह है और मंतिक यानी गुफ्तार में भी तेरे नबी की तरह है. इस हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाज़े होता है. ये दलील है कि हज़रत अली अकबर सिर्फ रसूल खुदा के हम शक्ल ही नहीं थे बल्कि आपका इखलाक गुफ्तार भी रसूल खुदा से मिलता था. इससे वाज़े हो गया कि अली अकबर हम शबीए इखलाक के पैगंबर हैं. वो भी अखलाक के अजीम तरीन रुतबे पर फाइज है. फ़कत चेहरा रसूल अल्लाह की तरह नहीं है, खुल्क और गुफ्तार भी रसूल खुदा से मिलती है, रसूल खुदा की शबीह है. जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर तो हैं ही मगर आप हम शबीह पंजतन भी हैं. आपका अखलाक चेहरा और गुफ्तार आपके जद रसूल खुदा की तरह हैं. आप हम नाम अली इब्ने अबी तालिब हैं. आपका सिन आपकी दादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरह 18 बरस है. आप में आपके चाचा करीम अहले बैत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की करीमी आई थी और दिल बंदे हुसैन इब्ने अली हैं अली अकबर. जब यजीद के दरबार में अहले हरम और इमाम सज्जाद आए, यजीद ने पूछा ये कौन जवान है, फरमाया मैं अली इब्ने हुसैन हूँ. उसने हैरत से कहा कि क्या करबला में अली इब्न अल हुसैन को कत्ल नहीं कर दिया गया था. मौला मजलूम ने इरशाद फरमाया वो भी अली था, मैं भी अली हूँ. मेरे बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर खुदा मुझे 100 बेटे अता करता तो सबका नाम अली रखता और अगर 100 बेटियां अता करता तो सबका नाम फातिमा रखता. जनाब अली अकबर को करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है. जिस तरह करीम अहले बैत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मशहूर था उसी तरह से जनाब अली अकबर का भी दस्तरखान मशहूर था. अरब में दस्तूर था
कि जिस किसी को भी ये बताना होता कि हमारे घर में खाने का दस्तरखान लगा हुआ है, तो वो अपने घर का तंदूर जलाए रखते। तंदूर की रोशनी देखकर कोई भी भूखा या मुसाफिर दस्तरखान पर आकर खाना खा सकता था। जनाब अली अकबर हमेशा अपने घर का तंदूर जलवाए रखते थे। आप अपने चाचा की सुन्नत को अदा करते थे और कभी कोई जनाब अली अकबर के दस्तरखान से खाली नहीं जाता था। मदीने में एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स आया, फरमाता है मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। सब ने कहा रसूल खुदा तो पर्दा फरमा चुके। उस शख्स को किसी ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर जाओ, उनका एक बेटा है जो अक्स रसूल खुदा है। उस शख्स ने जनाब अली अकबर को देखा, एक चीख मार कर गिरिया करने लगा। मौला ने उससे एक सवाल किया, अच्छा तो तू ये बता कि अगर इस जवान के कदमों में कोई कांटा लग जाए क्या तुझसे बर्दाश्त होगा? बोला मौला इस बच्चे के कदमों में कांटा लग जाए ये देखने से पहले एक काश मेरी आंखों में तीर लग जाए, इसकी जर्रा भी खराश लगी ये मुझे जब्त नहीं होगा। मौला ने फरमाया एक दिन आएगा जब इस बच्चे के कलेजे पे बर्ची का फल लगेगा। रोजे आशूर अकबर आते हैं, बाबा अब हमें भी इजाजत दे दीजिए। मौला ने हाथ बुलंद किए, कहा परवरदिगारा अब वो जा रहा है, तू गवाह रहना कि जो खल्क में खुल्क में और मंतिक में मेरे जद रसूल खुदा सा है। अकबर समझ गए, बाबा ने इजाजत दे दी। जब जनाब अली अकबर जाने लगे, मौला ने फरमाया मेरे लाल जिस बीबी ने 18 बरस पाला था उससे भी तो इजाजत ले लीजिए। आप खैमाए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में पहुंचे, आप बीबी के कदमों पे बैठ गए। बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता बालों को सहलाना शुरू किया, फरमाया फूफी अम्मा मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये बताइए कि आपका रुतबा ज्यादा है कि दादी फातिमा जहरा का? बीबी ने तड़प कर कहा बेटा ये इस मौके पर किस तरह का सवाल है, जैनब फातिमा की बेटी है और वो सैयदातुन निसाइल आलमीन है। फूफी अम्मा आज आपने अपने लाल को फातिमा के लाल पर कुर्बान कर दीजिए। अकबर घोड़े पर सवार हुए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, लगा कि कोई आहट आ रही है, कोई पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा मौला हुसैन पीछे पीछे अपने बेटे की सवारी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अकबर बहुत गैरतमंद हैं, बहुत गैरत वाले बेटे हैं, कहा बाबा हम आपसे इजाजत लेकर आए थे, बाबा हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती क्या मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे पीछे चले, आप फिर क्यों हमारे पीछे पीछे आते हैं, बाबा मैं तो इजाजत ले आया। फरमाया अकबर मेरे लाल आप औलाद वाले नहीं हैं और औलाद भी आप जैसी आपके पास नहीं है, आपका कोई हमारा भी जैसा बेटा नहीं है ना, इसलिए आपको हमारे कर्म का मालूम नहीं है। मेरे लाल जब जब मौका मिले वो मोड़ मोड़ के हमको अपना चेहरा दिखाती रहना, हमारी आरजू है आपको बार बार देखते रहे। अकबर मैदान में गए, कई यजीदियों को फिन्नारे जहन्नुम किया, वापस पलटे। बाबा क्या आपने हमारी जंग देखी? बाप बेटा ऐसा लगा कि जैसे हैदरे कर्रार लड़ रहे हैं। बाबा प्यास ने हमको मार दिया, जरा अगर पानी मिल जाता हम सैर हो जाते। एक वक्त था मदीने में कि जब जनाबी अली अकबर को अंगूर खाने थे मगर अंगूर का मौसम नहीं था, मेरे मौला ने अपना दस्ते कुदरत उठाया और जन्नत से शहजादे के लिए अंगूर ले आए। हाय आज उस हुसैन की गुर्बत बेटा प्यासा है मगर मसलिहत खुदावंदी पे रजा।
खुदा कभी किसी बूढ़े बाप को ऐसा दिन न दिखाए। अकबर प्यासे मक्तल में लौट गए। अकबर वापस मैदान की तरफ बढ़े। एक मर्तबा चारों जानिब से उदू ने घेर लिया। एक मर्तबा किसी लईन ने आपके सीने पे पर्ची मारी। जब आपने उसे खींचना चाहा, दस्ता बाहर आ गया, पर्ची का टूटा हुआ पल कलेजे में रह गया। एक मर्तबा जमीन पर आए मक्तल में आता है। जब अकबर मैदान में थे तो इमाम हुसैन एक रीत के टीले पर खड़े हुए थे, अकबर को देख रहे थे। उधर बीबी ज़ैनब दरे खैमा पे खड़ी अकबर के बाबा को देख रही थी। उधर उम्मे लैला खैमे में बैठी सजदाए मुसल्ले में बैठी हैं और निगाहें ज़ैनब कुबरा पर है। जैसे ही अकबर घोड़े से गिरे, उधर हुसैन रेत के टीले पर गिरे, ज़ैनब दरे खैमा पर गिरी और अकबर की माँ सजदाए माबूद में गिर गई। बेटे की सदा आई, बाबा हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। बेटे ने ये नहीं कहा, बाबा अदरकनी, बाबा मेरी मदद को आए, क्योंकि जानते थे ना सुबह से बाबा ने बहुत लाशें उठाए हैं। बाबा मेरा सदमा नहीं झेल सकेंगे, लेकिन मेरे मौला अकबर की तरफ बढ़े घुटनियों के बल। ए मेरे लाल आवाज दो, हमारी बसारत चली गई, हमारी आंखों से कुछ नजर नहीं आता, अकबर हमें सता दो। लाल के पास पहुंचे, रुखसार अली अकबर के रुखसार पर रखे। ए बेटा अली अकबर, तुम दुनिया के गमों से आजाद हो गए, मगर इस बूढ़े बाप को तन्हा छोड़ गए। मौला ने देखा जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पर है। मौला फरमाते हैं, बेटा आपका लाशा उठाना बहुत सख्त था, मगर आपकी माँ से वादा करके आया हूँ। बाबा ये ज़हमत न फरमाए, बाबा हमारी लाश उठाना बहुत मुश्किल है। ए मेरे लाल, आपका बाबा इतना कमजोर तो नहीं, अपने बाबा का साथ दो और एक हाथ हमारी गर्दन पे डाल दो। अकबर ने मौला की गर्दन पे हाथ दिया। बेटा ये दूसरा हाथ भी गर्दन पे डाल दो। बाबा इस उम्र में आपको सदमा नहीं देना चाहता बाबा। ए मेरे लाल, मैं साबिर हुसैन हूँ, आप हाथ हटा लो। बेटे ने हाथ सीने से हटाया, पर्ची का टूटा हुआ फल नजर आया। बाबा ये पर्ची है, जब सांस लेता हूँ तो तकलीफ होती है बाबा। अरे वो अकबर जिसके हाथ पे जिसके एक कराज भी हुसैन ने न लगने दी, उस अकबर के कलेजे में पर्ची का फल। मौला ने पर्ची के फलक में हाथ डाला, नजफ का रुख किया, कहा या अली अपने लाल की मदद को आए। गोया सारी जन्नत मौला के आसपास सिमट कर आ गई हो। हर अंबिया मौला के आसपास जमा है। इब्राहिम कह रहे होंगे, या हुसैन जब मैंने इस्माइल को ज़िबह किया था तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी। इस्माइल कहते होंगे, या अली अकबर जब बाबा ने छुरी फेरी थी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हाय ना हुसैन की आंखों पे पट्टी, ना अकबर की। दरे खैमा से बीबी की आवाज आई, भैया जवान बेटे का लाशा अकेला ना उठा सकोगे, मैं आती हूँ, मैं मदद को आती हूँ, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। मौला ने फरमाया, ज़ैनब हमारी जिंदगी में खैमे से बाहर ना आइएगा। मनी हाशिम के छोटे बच्चे खैमों से निकल आए, अपने भैया अली अकबर की लाशे को मौला हुसैन के साथ लेकर चले। लाशा अकबर खैमे में आया, उधर अकबर की माँ उम्मे लैला कभी खैमे के इस तरफ टकराती, कभी खैमे के उस तरफ बैठ जाती, बीबी को कुछ नजर नहीं आता। फरमाई, बीबियों मुझे पकड़ लो।
भैया